वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों वर्कशीट 23 फोर क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट, जो कि शेड्यूल की गई है आपकी 26 अगस्त 2020 के लिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 आपका जो है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और इसमें लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे हम जो खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, ये पूरा प्रोसेस इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है क्या है, माउथ। ओके, माउथ जो है वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन माउथ वेयर द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। माउथ से हम खाना खाते हैं और वो खाना हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और हमारी जो सेल्स हैं बॉडी की इतने कॉम्प्लेक्स फूड को आप कह सकते हो उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकती, इसलिए जो फूड है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना होता है, और यही एक तरह से क्या है, डाइजेशन है। नाउ द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवा है, लार है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन से होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये टंग है, और जो हम खाना यहाँ पर खाते हैं वो टीथ के थ्रू जो है च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, जिससे कि वो जो सलाइवा है उसके साथ मिलता है। और सलाइवा में क्या है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, जो कि स्टार्च को, स्टार्च क्या है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसको जो है शुगर में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन भी आता है कि कुछ टाइम चबाने के बाद जो है हमें जो खाना है वो मीठा लगने लगता है, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम के साथ मिलकर जो फूड है इट फॉर्म शुगर, और शुगर फॉर्म होता है जिसके कारण कुछ देर बाद हमें वो मीठा लगने लगता है। नाउ हेयर इन माउथ द कैविटी इज प्रेजेंट विच इज नोन एज बक्कल कैविटी। अब देखिए यहाँ से माउथ से जो पाइप है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ईसोफेगस। क्या बोलेंगे इसको हम, ईसोफेगस। Now, esophagus, the food now move along the food pipe by peristaltic movement. Okay, food जो है वो move करता है in esophagus. Peristaltic movement क्या होती है, कि जो muscles हैं इस pipe की muscles वो लगातार contraction relaxation करती रहती हैं। जो rhythmic contraction है उस contraction के कारण ही जो food है वो क्या है, आगे की तरफ जो है वो move करता है। So, that movement is known as peristaltic movement. नेक्स्ट स्टमक, इट हैज़ मस्कुलर वॉल्स विद द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन देम। अब देखिए जो स्टमक है, ये जो फूड पाइप से फूड है एंटर कहाँ करता है, स्टमक में, और स्टमक एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये सीक्रेट क्या करते हैं, दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पहले से ही पता है कि जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सीक्रेट होता है, बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड नहीं होता, वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, बट वो भी हमारे जो इनर लेयर है स्टमक की उसको नुकसान पहुँचा सकता है। दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। सो और क्या क्या निकला यहाँ से, पेप्सिन, और थर्ड वन क्या निकल रहा है, म्यूकस। अब देखिए द हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है इट इज एन एसिड, सो इट प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम। ओके, आप पॉइंट यही है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने की जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, जो ये पेप्सिन है, ये पेप्सिन बिना एसिडिक मीडियम के बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में होगा, लेकिन जैसे ही इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा ये पेप्सिन क्या हो जाएगा, पेप्सिन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद ये प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा। ओके, ये प्रोटीन्स के लिए है तो प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा। आई होप आपको क्लियर है कि HCl क्यों यहाँ पर नीड है, HCl की एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, जो कि पेप्सिन को चाहिए। अब यहाँ पर थर्ड वन क्या है, म्यूकस। अब हमने बात की थी कि जो HCl है वो स्टमक की इनर लेयर के लिए डेंजरस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यहाँ पर सीक्रेट होता है, म्यूकस। ओके, सो विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। सो ये जो म्यूकस है ये एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, जब हम, आपने देखा होगा हमारी कफ होती है तो उसमें बलगम टाइप से जो बाहर निकलता है दैट इज म्यूकस, और वही हमारी इनर लेयर को जो है प्रोटेक्ट करता है। नाउ यहाँ पर अब थ्री टाइप्स के जो है यहाँ पर एंजाइम्स निकले हैं, जूस निकले हैं, HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है। अब उसके बाद देखिए जो फूड है वो कहाँ एंटर करेगा, यहाँ से इट विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी हम
जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में ये कॉयलिन जो है आप देख पा रहे हो, ये क्या है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे हो बच्चों, ये डायफ्राम है, डायफ्राम ऊपर यहाँ पर क्या है, लंग्स हैं, और ये नीचे जो है इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। अब देखिए ये क्या है, ये लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर। और लीवर सिक्रीट क्या करेगा, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, जितना बाइल जूस यूज होना होता है वो साथ साथ हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा बाइल जूस है उसको स्टोर कौन रखता है, ये गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टोरेज है कौन करेगा, गॉल ब्लैडर। और ये क्या है, बाइल डक्ट है, जहाँ से जो बाइल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। अब यहाँ से क्या होगा, फूड रीचेस फ्रॉम स्टमक थ्रू ए स्फिंक्टर, ओके, मसल्स होती हैं, फूड यहाँ से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। नाउ हेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस। तो बच्चों ये वन मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, हमें ऊपर पता है कि जो स्टमक से फूड एंटर करेगा वो कैसा है, वो एसिडिक है ड्यू टू HCl। अब बाइल जूस फ्रॉम द एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रिएटिक एंजाइम टू एक्ट। अब देखिए क्या हुआ, ये जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। अब जो पेनक्रियाज है इससे पेनक्रिएटिक जूस निकलेगा, जिसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस प्रकार पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए था काम करने के लिए, पेनक्रियाटिक जूस को कैसा मीडियम चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए, ओके, पेनक्रियाटिक जूस को कैसा मीडियम चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए। अब ये अल्कलाइन मीडियम कहाँ से मिलेगा, एसिडिक तो HCl ने दे दिया, अल्कलाइन कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहाँ से बाइल जूस से, ठीक। बाइल जूस दो काम करेगा यहाँ पर, एक तो अल्कलाइन मीडियम देगा, दूसरा क्या करेगा, ये फैट को तोड़ने का काम करेगा। अब देखिए बाइल जूस फ्रॉम द लीवर डज इन द एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, साथ साथ के फैट्स के ऊपर काम करेगा, एज द फैट्स दे आर वेरी वेरी लार्ज ग्लोब्यूल्स, फैट्स जो है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होती है, और जब ये फैट जो है लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होती है तो जो एंजाइम है वो इसके ऊपर एक्शन नहीं कर पाते, इसीलिए जो फैट्स है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना है, और स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कौन करेगा, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करेगा यहाँ पर बाइल जूस, ओके। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। सो bile juice from the liver does this in addition to acting on fats, and fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzyme to act on them. Now bile salt break them down into smaller globules increasing the efficiency of enzyme action. Chote hone ke baad surface area badh jata hai jisse enzyme jo hai easily inko digest kar payenge small globules ko. The pancreas secrete pancreatic juice which contain enzymes like trypsin for digesting protein. अब यहाँ पर pancreatic juice को alkaline medium मिल गया तो enzyme काम करना शुरू करेंगे. Enzyme में पहला enzyme कौन सा निकलता है यहाँ से, main trypsin. Trypsin क्या करेगा, proteins को digest करेगा. Pancreatic juice जो है उसमें trypsin है, protein को करेगा. दूसरा enzyme यहाँ से कौन सा निकलता है, lipase. Okay, lipase क्या करेगा, fat को digest करेगा. Now, trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat. Now, the walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. अब जो ये बच्चे small intestine है, ये भी intestinal juice जो है वो secrete करती है, और इसके अंदर भी enzymes present होते हैं, और ये जो enzymes हैं, ये finally convert करते हैं proteins को amino acids में. So the enzyme present in it finally convert the proteins to amino acids. And जो complex carbohydrate है उसको glucose में convert करता है, and fats into fatty acids. So आपको याद रखना है proteins to amino acids, complex carbohydrate to glucose यहाँ पर convert हो गया, and fats into fatty acids and a glycerol में convert हो गया यहाँ पर. These are the simplest form of food. Okay, so intestine में intestinal juice की help से complete जो complex food है वो complete यहाँ पर digestion हो गया. अब यहाँ पर कुछ जो है enzymes दिए गए हैं, so mouth से जो है कौन सा enzyme है, salivary amylase which converts starch to sugar. स्टमक में पेप्सिन है, पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म. पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज दैट इज ट्रिप्सिन,
कन्वर्ट प्रोटीन टू सिंपलर फॉर्म और लाइपेज, ये हम कर चुके हैं, लाइपेज कन्वर्ट फैट इंटू सिंपलर फॉर्म। अब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है, अब फूड को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। वो काम किसका है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाए। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल्स हैं वो कुछ इस तरह की बनी होती हैं, दीज आर द विलाए। ओके, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दीज आर नोन एज विलाए। अब ये विलाए जो हैं दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। आपको कुछ, आप जो है इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो, मान लीजिए आपके पास एक कपड़े का टुकड़ा है, वो इतना सरफेस एरिया में आप उसको अगर खोलते हो पूरा तो वो कुछ इस तरह से है, लेकिन अगर आप इस कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड कर दो तो बस इतने ही एरिया में ये कवर हो जाएगा, बाकी जो एरिया है यानी वो खाली हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर और भी हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और भी कपड़े एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से ये है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होने से क्या है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। अब जो विलाए हैं दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब बच्चों जो ये विलाए हैं इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स जो है वो लिपटी हुई होती हैं बहुत सारी। अब जो ये ब्लड वेसल्स हैं ये क्या करती हैं, ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड, जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है, सो ये जो फूड है उसको हर एक सेल तक ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरह से जो फूड है यहाँ पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसका क्या होगा, वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत जिसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाए एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल। ठीक है, जो मैक्सिमम वाटर है लार्ज इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, विलाई जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, एंड द अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, एंड द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। ये मसल्स हैं, दीज मसल्स रेगुलेट द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटीरियल थ्रू द एनस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है, फिर भी अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करके जो है पूछ सकते हो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है काफी इजी हैं अब क्योंकि आप वर्कशीट कर चुके हो, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम वन एनी वन एंजाइम प्रेजेंट इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट इट्स फंक्शन। सो एंजाइम्स के नाम लिखने हैं, इंटेस्टिनल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंड दीज इंटेस्टिनल ग्लैंड्स सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। ओके, कंटेनिंग एंजाइम दैट इज लाइपेज, ट्रिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज एट्सेट्रा, ये सभी एंजाइम इंटेस्टिनल जो है जूस में होते हैं। अब लाइपेज क्या करता है, इट कन्वर्ट फैट इंटू फैटी एसिड्स। ट्रिप्सिन, इट कन्वर्ट पेप्टाइड्स इंटू अमीनो एसिड्स। एंड माल्टेज कन्वर्ट माल्टोज इंटू ग्लूकोज। ओके, एंड लैक्टेज कन्वर्ट लैक्टोज इंटू ग्लूकोज। सो यहाँ पर क्या है कि देखिए ये प्रोटीन जो है ये कंप्लीट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लाइपेज से फैट्स कन्वर्ट हो गए और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर कंप्लीट कन्वर्ट हो चुके हैं। सो यहाँ पर कंप्लीट जो है वो डाइजेशन हो जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। तो बच्चों पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होती है इन ईसोफेगस। ओके, व्हाट इज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप, ये सब बच्चों को पता चल गया अब। सो जो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट है ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप आर कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। दिस मूवमेंट पुश द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी माउथ से बिल्कुल एनस तक होती है, ठीक, और एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें जो मूवमेंट होता है, फर्दर मूवमेंट फ्रॉम द फूड पाइप, दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज, वट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। सो वट इज द रोल ऑफ एसिड, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट इन साइड द स्टमक प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। इट कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोपेप्सिन और पेप्सिनोजन इंटू एक्टिव पेप्सिन। ये मैंने आपको बताया कि पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसको हम प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजन कहते हैं,
और उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है। इट किल द हार्मफुल बैक्टीरिया विच मे एंटर द स्टमक अलोंग विद द फूड, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, तो कैसे डिजाइन की गई है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विच कॉल्ड विलाय एंड विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि सर्फेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है। द विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको हर एक सेल तक लेकर जाती हैं ताकि वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होकर हमें एनर्जी, हर एक कोशिका सेल को जो है एनर्जी जो है वो मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चों, तो आप इजीली अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम कर सकते हो। ये कंप्लीट जो है इट इज़ नोन एज एलिमेंट्री केनाल, फूड पाइप यानी इसोफेगस, स्टमक, ओके दिस इज वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लीवर, बाइल, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट, दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस एंड दिस वन इज अपेंडिक्स। सो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करके पूछिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।